ए मांझा कैसे पकड़ते हो? देखो आधा तिरछा लग रहा है। हाँ, घोड़ा खाली है, बैठो ना। गजनी, बिहारी के आदमी आ रहे हैं, देखो। गजनी, बिहारी भाई ने तुम्हें बुलाया है। किस लिए? तुम बड़े जाबाज हो ना हमारे ग्रुप में शामिल करने के लिए। लड़कियों का मैटर पसंद नहीं है तो हेरा फेरी तो कर सकते हो ना। गजनी, महाराष्ट्र में 1 किलो पाउडर 1 लाख रुपए में बिकता है। वही पाउडर बांग्लादेश को सप्लाई किया तो 1 करोड़ रुपए मिलेगा। धर्मात्मा तुमसे बहुत बड़े बड़े काम करवा के चिल्ला तुम्हें देता है, पूरा पूरा फायदा वो उठा लेता है। यही तो भाई समझाना चाहता है। भाई से मेरा रिश्ता खराब करना चाहता है बिहारी, है ना? मुझसे बात करने के लिए आए थे ना? बिल्कुल। तो ये हथियार लेकर क्यों आए हो? मैं कुछ भी नहीं लेके आया। ये हथियार नहीं है? ये तो वो सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिए? हथियार साथ में हो तो सेफ्टी होती है। अब तुम सेफ हो ना, मैं तेरे साथ नहीं चल रहा हूँ। हाथ लगा के देखा, लगा ना, मार ना। चाकू, बंदूक, शीशे की बोतल, खतरनाक हथियार, तूफानी बम मारने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मैं मामूली चीजों से मार डालता हूँ। अगर जरा भी हिला तो खून बाहर आ जाएगा और साथ में जान भी। जिंदा रहना है तो अपने बाप बिहारी से कह दे कि भाई मेरी जान है, अब निकल। क्या भाई, क्या पढ़ रहे हो? अरे चुप रहे। पांच लोगों को जलाकर राख कर दिया और कहता है जो चाहिए ले लो, तेरा भास्कर कहाँ है? वो मेरे पास नहीं है, धर्मात्मा के गिरफ्त में है। पांच लोगों को जलाने वाला भी धर्मात्मा ही है। भाई के बारे में गलत बात करता है? रुको, मरने वाला इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। सच्चाई जाने बिना मुझे मारोगे तो बाद में देखो तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। ये तू क्या कह रहा है? धर्मात्मा से बात कराओ। क्यों? फोन लगा रहे, बताता हूँ। जल्दी करो, तब तुमको सच्चाई का पता चलेगा। धर्मात्मा, मैं बिहारी बात कर रहा हूँ, गजनी को खत्म कर दिया हूँ। सुपर बिहारी, सुपर।
तुम मुंबई के हार्बर लाइन में ही नहीं, उधर कांदीवली, इधर बोरीवली, चर्च गेट के जो भी एरिया में जो चाहो वो कर सकते हो। तुम्हें जो भी लड़की पसंद हो उसे उठा सकते हो, मैं बीच में नहीं आऊंगा। उस गजनी की लाश भी इस तरफ नहीं आनी चाहिए, उसके टुकड़े टुकड़े करके चील और कौओं को खिला दो। अब पता चला ना, पांच लोगों को मारने वाला वही है। और बताता हूँ गजनी, तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करने को कहने वाला भी वही है। तुझे छोड़ दिया तो मेरे वहां पहुंचने से पहले ही फोन करके मुझे मरवा सकते हो। आज के बाद शहर की किसी लड़की को तुझसे तकलीफ नहीं होगी। जिंदगी में पहली बार अच्छा काम करने जा रहा हूं मैं। गजनी थोड़ा पी लो, गजनी दर्द का पता नहीं चलेगा। थोड़ा पी लो गजनी, दर्द कम हो जाएगा। पी लो गजनी थोड़ा। नहीं यार। ए, अब क्या करें? पापा हॉस्पिटल के पास पुलिस होगी, जल्दी से पहन के घर ले चलो। लेकिन वो तो अभी डॉक्टर पढ़ रही है ना। कोई बात नहीं। ए, काजल साथ चलेगी तो अच्छा रहेगा, फोन कर। ए, गजनी को पता चलेगा तो गुस्सा हो। वो बाद में देख लेंगे, तू पहले फोन लगा। दिल के तुम मेहमान हो, हाँ मेरी तुम चाहो, बोलो तो जानम दिल हम चीर के दिखलाए। बोलो काजल। काजल बात करो। मैं जल्द ही तुमसे मिलना चाहती हूँ। पता है भी तुम कहाँ? कलकत्ता पार करके बांग्लादेश जा रही हो। मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे कुछ हो जाएगा, जिंदगी में मिल पाओगी या नहीं ये सोचकर डर रही हो ना? तो डरो मत, मैं तुम्हें जरूर मिलूंगा। सर,
अभी एक खबर मिली है। गजनी ने थोड़ी देर पहले एक सेल फोन पे कॉन्टेक्ट किया था। वो फोन उड़ीसा से आया था। अब थोड़ी देर में कलकत्ता की बाउंड्री पार कर जाएगा। अब बांग्लादेश के नेटवर्क का सिग्नल दे रहा है। गजनी ने बात किया हुआ सेल नंबर न्यू बॉम्बे के पास का दिखा रहा है। करेक्ट, इस एरिया में न्यू मुंबई के सिग्नल बदल रहे हैं। इसी जंगल में वो कहीं छिपा होगा। ए, भाऊचा धक्का भाई, कांचा बड़ा का मधु, सबको ढूंढने के लिए बोल देना, मैं भी उतर रहा हूँ मैदान में। गजनी का अड्डा कब पता चल गया? ए, चलो रे, जल्दी चलो। गजनी, गजनी, डेविड को पुलिस ने पकड़ लिया। अब तुम्हें ढूंढते हुए एसपी यहाँ आ रहा है। पता है, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम लोग जाओ यहाँ से। क्या गजनी, क्या बात कर रहे हो? मैंने कहा ना, तुम लोग जाओ। सर, कुछ और फोर्स की जरूरत है क्या? नो, सिर्फ 5 मिनट का जंगल और है। ज्यादा फोर्स ले जाएंगे तो अलर्ट हो जाएगा और भाग जाएगा। इतना ही नहीं, हम उसे जिंदा नहीं पकड़ने वाले, खत्म करने वाले हैं। सेल फोन साइलेंस पे रखना। दोनों इस तरफ जाओ। आप इस तरफ। ओके सर। हे जीजा, कालिदास खाली हो गया। ए, कहां पर है तू? पुरुषोत्तम ही खलास हो गया। ए, कहां पर है तू? गजनी को मैंने बंदी बनाया हुआ है, जल्दी से आ जाओ। मैं वहीं पर आ रहा हूं, उसे जाने मत देना। आई!
जा परमात्मा, जल्दी चलो जा परमात्मा, चलो जल्दी पकड़ो से। ए धर्मात्मा, तेरे पापों का हिसाब नहीं है और तेरे जलाए हुए लोगों का हिसाब भी नहीं है, क्योंकि उन्हें तुमसे ज्यादा मैंने डराया। क्या सोचता है तुझे इतनी आसानी से मर जाने दूंगा मैं? चाहता तो कप का जहर देकर तुझे मार सकता था मैं, लेकिन जीना मुश्किल है और तड़प तड़प कर जीना तो और भी मुश्किल होता है। जब बेगुनाहों को मरते समय इतना तड़पना पड़ता है तो इतने गुनाह करने के बाद क्यों नहीं तड़पेगा तू? तुम अपने आप को शहर का बहुत बड़ा एक गुंडा समझते थे ना? फटा हुआ पोस्टर बना दूंगा तुझे, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। अपमान से तू घर से ना निकले तो लोग तुझ पर थूके, और उस अपमान से अगर तू मरना चाहे तो तू मर भी नहीं पाएगा, ऐसा बना दूंगा मैं तुझे। 45 साल के गुंडे से कौन शादी करेगा? पैसे के लिए इंसान का खून पीने वाले, अगर तू जीना भी चाहे तो साइन किए बिना, अंगूठा लगाए बिना, खाने के लिए हाथ नहीं खिलाने वाला कोई नहीं, तड़प तड़प के मरेगा तू। आज के बाद ना तू खा पाएगा, ना पिछवाड़ा धो पाएगा और ना भीख मांग पाएगा। क्या देख रहा है मुझे? क्या करूंगा ये सूत्र? जान लूंगा तो जान जाने तक दर्द होगा, अपाहिज बना दूंगा तो मरते दम तक तड़पेगा। नहीं, नहीं।